लेकिन कब चाचू कब? बस बच्चों मैं अपना स्क्रिप्ट खत्म कर लूं तब। हाँ विवेक चाचू आपने प्रॉमिस किया था कि आप वन फुल डे हमारे साथ वाटर पार्क में बिताएंगे। हाँ हाँ मुझे याद है। तो फिर चलिए ना। हाँ बच्चों बस ये स्क्रिप्ट खत्म कर लूँ, मुझे बस 30 मिनट दे दो। हाँ उसके बाद हम सब चलेंगे। 1 मिनट हो गए हैं, 29 मिनट्स रह गए। ठीक है बच्चों मुझे बस 29 मिनट्स दे दो, बस। हाँ ओनली 29 मिनट्स। प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे यार अब कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो सर, क्या आपको कार खरीदने के लिए लोन चाहिए? नहीं। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप ऑफिस कैसे जाते हैं? ऑटो रिक्शा में। इसका मतलब आपके पास खुद का ऑटो रिक्शा है? नहीं। तो सर हमारे ऑटो रिक्शा फाइनेंस करा लीजिए ना, हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही शानदार है। अरे भाई ना मुझे कार चाहिए, ना ऑटो रिक्शा, ना साइकिल। ओके थैंक यू। अरे यार क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे कोई टाइम वाइम नहीं चाहिए और वैसे भी स्क्रिप्ट लिखने में लोन कम हो रहा है। हेलो हम सुषमा देवी बोल रही हैं। अरे तुम देवी हो या देवता, अब तुम्हारे कहने से मैं कार ले लूंगा क्या? मैं बेकार था और बेकार रहूंगा। सुषमा देवी। हेलो हेलो विवेक। जी 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 सुषमा आंटी। अरे विवेक पता नहीं पहले किसी बदतमीज ने फोन उठाया था, बड़ी ऊटपटांग से बातें कर रहा था। अच्छा खैर छोड़ो, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई है ना? जी। हम उन्हें थोड़े दिनों के लिए सोनागढ़ ले जाना चाहते हैं ताकि वो अपने नानी मासी से रियासत के अच्छे तौर तरीके सीखे। लेकिन लेकिन सुषमा आंटी। लेकिन क्या? वैसे भी तुम उन्हें यहाँ वहाँ छोड़कर अपनी कहानियाँ बेचने चले जाते हो। तुम उन्हें तैयार रखो, हम लेने आ रहे हैं। हलचल हलचल रुक मत चल 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 जोर लगा के चाचू रे हैया, हड़बड़ हड़बड़ हिम्मत हिम्मत डट कर 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 चाचू के हैं कहने भाई क्या हुआ। आगे रहो चाचू, जागे रहो चाचू, खिल रहो चाचू, यू ही तुम तो लगे रहो चाचू, लगे रहो चाचू, लगे रहो चाचू। सानिका, सोनू। वाओ चाच, आपने 29 मिनट्स में स्टोरी खत्म कर ली। नहीं बेटा वो स्टोरी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक नई स्टोरी शुरू होने वाली है। What do you mean चाचू? सुषमा आंटी तुम्हारी नानी मासी तुम्हें लेने आ रही है। What? हाँ। आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? बेटा उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो मौका छीन लीजिए और उनकी ट्रिप कैंसिल करिए। कैसे छीन लूं और क्या बहाना बनाऊं? आप उन्हें कह दीजिए कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। लेकिन बेटा वेकेशन में कौन से एक्स्ट्रा क्लासेस? कोचिंग क्लासेस। हाँ कोचिंग क्लासेस। व्हाट्स दैट? लेकिन किस चीज के? आईटीआई की। आईटीआई? सानिका का मतलब है आईआईटी की। ओह अच्छा जी, अच्छा जी। लेकिन इस उम्र में? सुषमा आंटी। हेलो सुषमा आंटी। हेलो विवेक जी। मैं बताना भूल गई, सोनागढ़ में बहुत ठंड होगी, बच्चों के गर्म कपड़े पैक करना मत भूलो। सुषमा आंटी वो हेलो हेलो हेलो, लो फिर से फोन काट दिया। ओह नो। हेलो आपको किससे मिलना है? विवेक कहाँ है? विवेक सर तो है घर पे। और बच्चे? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी है घर पे, लेकिन आप कौन है? ए लड़की ज्यादा सवाल मत करो, विवेक को बुला के लाओ। लेकिन अभी तक खड़ी हो? जाओ बुलाओ उसे। ओके। सेवक घर के अंदर छाता बंद। कौन है डीसी? सर कोई एकदम अजीब सी लेडी आई है, आई तो अकेली है लेकिन अपने आप को हम कह रही है। सर 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 क्या हो गया, आप सब इतना घबरा क्यों रहे हैं? डीसी वो सुषमा देवी है। What is that? इन बच्चों की नानी मासी। अच्छा जी। और वो सोनागढ़ की महारानी है और वो सभी को अपनी प्रजा समझती है। प्लीज चाचू बचा लीजिए हमें। ठीक है बच्चों मैं कुछ करता हूँ।
सर मैं भी चलूं साथ, आपकी हिम्मत बनी रहेगी। नहीं डेजी नहीं, तुम यहीं रुको और ये पकड़ो। हाँ सुषमांती आप इतनी जल्दी आ गए? क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम इस बार भी हमारा मैसेज भूल जाओ। वैसे अच्छी खबर जल्दी आ जाए तो और भी अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स। बच्चे कहाँ? ओह नो। बच्चे? कौन बच्चे? बच्चे। सुषमांती वो बच्चे आपके साथ नहीं आ सकते। क्यों? उनकी कोचिंग क्लासेस चल रही है ना, वो IIT, MBBS, MBA। इस उम्र में? हाँ, वो आपके नाती नातिन है तो कुछ तो ऐसा रहेगा। वो दुनिया के एक कदम नहीं 10 कदम आगे चलते हैं। तो फिर अच्छा है, हमारे खानदान के सभी बचपन से होनार रहे हैं। जी वो तो है। सेवक, अगर बच्चे हमारे साथ नहीं जा सकते तो हम तो उनके साथ छुट्टियां बिता सकते हैं ना? क्या? नहीं मेरा मतलब है क्या? देखो विवेक, पिछली बार जो हमसे गलती हुई है वो हम सुधारना चाहते हैं। अब हम बच्चों को साथ लेके जाएंगे, अब हम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इनका ख्याल आज से हम रखेंगे। आप अपने आप को बदलना चाहती हैं? हाँ विवेक, वक्त का तकाजा है। हम उनकी नानी मासी है, हम कुछ दिन यहाँ रहकर उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं। आपके कुछ दिन कितने दिन रहेंगे? क्या मतलब? नहीं 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 कुछ नहीं। तुम्हारी मेड ने कहा कि बच्चे घर पर हैं। वो बच्चों की मेड नहीं, बच्चों की नानी है। नानी? नानी तो हम हैं। नानी? नानी नहीं, नानी नानी। अच्छा जी। क्या सोच रहे हो, बच्चों को बुलाओ। मैं बुला सकता? बुलाओ। बच्चों बच्चों जरा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हेलो योर हाइनेस। योर हाइनेस नहीं, नानी मासी कहो। सेवक सेवक, सेवक चश्मा। ये क्या है सुषमा आंटी? ये हमारे फेरिस्ट है। फेरिस्ट? शेड्यूल, शेड्यूल। शेड्यूल। बच्चों करे भी तो क्या करें, हम सब ये घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? एक जगह है। कहाँ? हाथ नीचे, हाथ नीचे, भागना है आप लोगों को। भागते रहो, भागते रहो, भाग। बच्चे भाग रहे हैं, शर्म नहीं आती, कम ऑन। भागो भागो। क्या है? बच्चों के लिए पिज्जा। आज के बाद पिज्जा विज्जा बंद, ताजी सब्जी है उबाल के खिला दो, सेहत के लिए अच्छी होती है। ओके। Yeah!
बच्चे कहाँ हैं? बस आते ही होंगे। आ गए। नाश्ता करो। सेवा, देखो किचन में कौन है। ओह गॉड, ये छुट्टियां कब खत्म होंगी? बस बच्चों, 27 दिन और। नहीं चाच, ऐसा मत बोलिए। हाँ चाची, कहाँ हम वॉटर पार्क जाने वाले थे, गेम खेलने, मस्ती करने, घूमने फिरने, और यहाँ यहाँ नानी मासी ने हमें काले पानी में डाल दिया। What is काला पानी चाचू? बेटा वो अंग्रेजों के जमाने में ना एक जेल होती थी, उसे काला पानी कहते थे। लेकिन चाचू, अब बहुत हो गई है जेल, हर दिन सेम टास्क। चाच, अब हमें आजादी चाहिए। प्लीज चाचू, प्लीज, मैं और काला पानी नहीं पी सकती। बच्चों, करें भी तो क्या करें? हाँ, एक आइडिया है, हम सब ये घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? जगह है कहाँ? सत्रह, अठारह, 19, अरे वाह कपड़िया वाह, 2-3 साल में तो नीचे तक पहुंच ही जाओगे। 20, 21, इस वक्त कौन आया होगा? किधर जा, किधर जा, किधर जा? पापा प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। चुप, तू सुबह सुबह फिर मिलने आ गया रिया को? अरे बेचारी कल रात को 4 दिन की कॉन्फ्रेंस खत्म करके आई है बेंगलोर से, आराम से सोने दे, बाद में आके मिलना। चलो निकलो निकलो। नानू प्लीज हमें बचा लीजिए। हाँ नानू, हम और कहीं नहीं जा सकते, प्लीज। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई? आइनेस छतरी वाली। हाँ, सुषमा देवी, हमारी रानी मासी। सुषमा देवी आ गई? ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? अब क्या बताओ पापा, मतलब रिया के पापा, मतलब अंकल, मतलब सर। सुषमा आंटी आई तो थी बच्चों का दिल जीतने, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी जिंदगी का चैन, हार, नेकलेस सब हार गए। क्या बोल रहे तू? अरे प्लीज हमें यहाँ छुपा दीजिए, प्लीज। अरे मगर कब तक छुपोगे यहाँ? जब तक वो वापस नहीं चली जाती। आपको हम जैसे बच्चों पर रहम नहीं आ रहा? प्लीज नानू, हमें मत निकालो। लगता है सुषमा आंटी यहाँ आ गई। आवाज मत करो, पकड़े जाएंगे। एक काम करो, तुम लोग ना रिया के रूम में छुप जाओ। जा। चलो चलो। इधर। तू क्या जा रहा है पीछे पीछे? रिया के रूम में छुपने के लिए। अच्छा, में जा और कोई भी कबाड़ ढूंढ के उसमें घुस जा। जा यहाँ से, जा, जा यहाँ से। हे भगवान। ओ, ये सुबह सुबह आज डोरबेल क्यों इतनी बज रही है? हेलो हेलो, सेवक छाता, ये कौन है? ये इस घर की हर हाइनेस है। बच्चे कहाँ है? बच्चे? बच्चे इस घर में नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ एक बच्ची है, पर वो भी बड़ी हो गई है। आप पॉपुलेशन सेंसस में से आई है क्या? विवेक कहाँ है? विवेक? विवेक को तो यहीं पर होना चाहिए था, मुझे उसको इस घर का दामाद बनाना है, पर ये है कि मानते ही नहीं है। आप विवेक को कैसे जानती है? सेजल, सेजल, ये विवेक की आंटी है सुषमा देवी। हर हाइनेस सुषमा देवी। जी जी जी, हर हाइनेस सुषमा देवी, बच्चों की नानी मासी। विवेक यहाँ आया है या नहीं? विवेक यहाँ नहीं आया है। आ जाए तो मुझे फोन कर देना। जी जी। बिल्ली है, बिल्ली। बिल्ली? बिल्ली कहाँ से आएगी इस घर में? अरे तो बिल्ला होगा। अरे पर किचन की खिड़की हमेशा बंद रहती है, बिल्ला कहाँ से आ सकता है? अरे तो बिल्ला का पीला होगा तो चुप। बिल्ला आएगा तो मैं, मतलब विवेक आएगा ना तो मैं आपको म्याऊं म्याऊं मतलब फोन कर दूंगा। जी हाँ जी। सेवक चलो यहाँ से, चलो जल्दी, चलो यहाँ से। फोन कर दूं? क्या कर रही है तू? आप क्या सुबह से बिल्ला पिल्ला लगा के बैठे हैं?
सेवक ना जल्दी चलो, पता नहीं कितने और जानवरों की आवाज सुननी पड़ेगी। चलो चलो चलो। लेकिन इस तरीके से उन्हें बिना बताए तुम लोग कैसे भाग सकते हो? ऑटो रिक्शा से। और विवेक, ये तो बच्चे, तुम तो बड़े हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं क्या बात कर रही हो रिया, उनके सामने बड़े हो या बच्चे, सबकी गिगी बंद हो जाती है। उनके सामने से तो भाग जाना ही अच्छा है। आधा किलोमीटर हो गया। क्या पापा, आप भी सुषमा आंटी का तरीका अजीब हो सकता है, लेकिन उनके इमोशंस मुझे गलत नहीं लगते। रिया आंटी, जब नानी मासी के इमोशंस गलत थे ना, तब हमें इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी कि अब हो रही है। भागो, कमरा साफ करो, उबली हुई सब्जियां खाओ, न जाने हमसे क्या क्या करवा रही हैं वो। बेचारे चाचू के तो हाथ घिस गए जूते पॉलिश करते करते। ये देखो विवेक, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा, तेरी तो टीवी सीरियल है ना वो अगले जन्म मोहे दामाद न दीजो, हाँ? उसमें कितना सुंदर डायलॉग लिखा है तूने। वही नारियल बाहर से कितना भी सख्त हो, अंदर से तो नरम ही रहता है। तो फिर क्या पता सुषमा देवी का दिल भी नारियल की तरह अंदर से नरम निकले, हाँ? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। आप कहीं जा रही हैं? सोनागढ़ से अर्जेंट कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए आज के बाद नो जॉगिंग, नो उबला हुआ खाना और नो अनुशासन। अरे आप लोग कहाँ चले गए थे मुझे सडनली उनके साथ अकेला छोड़ के? आज हर हाइनेस कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। अजीब सा? अरे आ गए आप लोग। शुष्मांटी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, सोनागढ़ से अर्जेंट कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए आज के बाद नो जॉगिंग, नो उबला हुआ खाना और नो अनुशासन। एक मिनट अंकल, हमारे नानी मासी को क्या हो गया? कुछ बोलिए ना। आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना सेवक नाथ जी। अरे बच्चे लोग, आज जब आप लोग अचानक गायब हो गए तो रानी साहिबा को बहुत चिंता हुई, और जब वो कपाड़िया साहब के घर अपना नंबर देने वापस गई तो आप लोगों की पूरी बातें सुन ली। जब नानी मासी के इमोशंस गलत थे ना, तब हमें इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी कि अब हो रही है। भागो, कमरा साफ करो, उबली हुई सब्जियां खाओ, न जाने हमसे क्या क्या करवा रही हैं वो। आंटी, ये सब किस लिए? पता नहीं आज के बाद हम मिल पाए या ना पाए, इसलिए बच्चों के लिए गिफ्ट लाई। अच्छा मैं चलती। सुषमांटी, कहते हैं बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और उनकी दी हुई सीख छोटों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। प्लीज, आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, शायद मैं ही बच्चों को नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने जो भी किया आपके भलाई के लिए किया, लेकिन शायद वो गलत था। अच्छा मैं चलती हूँ। मासी सॉरी। आप हमें जितना काला पानी पिलाओगे हम पी लेंगे। मत जाइए ना आंटी, प्लीज प्लीज नानी मासी मत जाइए। प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज। रुको 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 रुको, मैं रुक जाऊंगी लेकिन एक ही शर्त पर। सेवक, आज से एक ही अनुशासन होगा, मौज और मस्ती। लगे रहो चाचू, लगे रहो चाचू, लगे रहो चाचू।